धार के बदनावर में जैविक खेती का भविष्य उज्जवल है। किसान भी उन्नत कृषि के लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ के किसान भी जैविक खेती अपना लें तो निश्चित ही पूरे देश में एक अलग छाप छोड़ेंगे। आज यहाँ पर जो बायो प्लांट लगा है उसका सदुपयोग करके गांव के चरित्र को सार्थक करें, यह बात औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कही। दरअसल वो मुल्तान में HDFC बैंक द्वारा बायफ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित समग्र ग्रामीण विकास योजना एवं डिजिटल स्मार्ट क्लास के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। जैविक खाद तो हमने आप बना ही रहे हैं, लेकिन जैविक भोजन, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे सोयाबीन हो, ये जो आज जो भी आप में से हम लोगों के साथ वहां थे जब हमने उस संयंत्र का शुभारंभ किया, न सिर्फ ये DAP आपको जो इसके शेयर होल्डर है, जो डायरेक्टर हैं, मुझे बताया गया कि 20 टन है ना, 20 टन इसका उत्पादन होगा। तो ये लागत करीब करीब 30-35 लाख वहाँ पे लगा, और एक जो आपका बायो फर्टिलाइजर प्लांट, जिसको आप बायोगैस अपन पहले जो एक एक जो घर में जो लगा है टंकी और वो पूरा जो सेटअप है, उसकी कीमत है करीब 38,000। और रॉक फॉस्फेट ज़्यादा हमारे देश में नहीं, राजस्थान में होता है, ये हम इम्पोर्ट करते हैं विदेशों से, इजिप्ट से हम लोग लाते हैं, हम लोग ये लाते हैं इसराइल से लाते हैं। अभी मैंने एक प्लांट चालू कराया मेघनगर में जो फर्टिलाइजर बनाता है, फॉस्कैम कंपनी का है, तो हमारे यहाँ कमी है। लेकिन अगर इस प्रकार से HDFC इस राष्ट्र निर्माण में योगदान देता रहा तो दूर दिन दूर नहीं है कि हर एक गांव खाद और DAP के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जैविक, अगर एक अरसे तक वो उस सीमा की परिधि में जिस जमीन में आप इस खाद का उपयोग कर रहे हो, अगर आप कोई रासायनिक उसमें कुछ न डालो तो उसको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है। जो स्मार्ट क्लासेस आपकी प्रारंभ हुई हैं, आप मुल्तान से पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं।